ऐ कुम्हार, रख दे तू चाक पर तन मेरा ये माटी का, छू ले तू मुझको ऐसे संताप गले मन का। तू हाथों से गूंद मुझे, मैं आकार धरूं कोई ढंग का, तू रंग दे मुझको ऐसे फिर रंग चढ़े ना कोई दूजा। बर्तन बन निखरूं मैं, मान बढ़ाऊं आंगन का। निराकार मिट्टी का अपने कुम्हार से यही कहना है, तू मुझे सांचे में ढालकर आकार दे, मेरा रंग चोखा कर दे। मैं बर्तन और दीपक बनकर तुम्हारे साथ साथ हर घर जगमग खुशियों से रोशन हो जाऊं। पहले चाक से बनाते थे, अब बांस के डंटा से चलता था। पहले 500-700 दिया बनता था, अभी 1500 दिया बनता है। मैंने 300 रुपया डेवलप कर चुका है, 200-300-400। मिट्टी से संबंध जिस प्रकार मानव के ब्लड से संपर्क है, उसी तरह कुम्हार को मिट्टी से संपर्क है। 60% पर कोरोना का प्रभाव पिछले वर्ष पड़ा था और इस वर्ष नहीं पड़ने वाला है, उम्मीद है कि नहीं पड़ने वाला है। इस बार वही 40,000-50,000 का माल हो जाएगा। उम्मीद है ये दिवाली हर किसी के लिए खुशियों वाली हो। साल भर मिट्टी को तरह तरह का आकार देने वाले कुम्हार भी दीपावली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 2 साल से महामारी की जद में आ चुकी इनकी चाक की रफ्तार पर धीमी हो गई। दिन रात की मेहनत से आस बस इतनी है कि हर घर की तरह इनके घर में ये दिवाली खुशियां लेकर आए। इन साल अब का होता है, फिर पानी आएगा, पानी आएगा तो जहे माल तहे रह जाएगा, हम लोग कर नहीं सकते हैं, है ये नहीं है। मरा 12 बजे रात के पानी मरा, सब बिला गया। अब निकलने का ताकत नहीं, दुआरी से है, दरवाजा से इधर आने की ताकत नहीं, इतना जोर पानी दे रहा था। बस यही काम से सब परिवार हम लोग चलाते हैं, शादी से ब्याह से मरनी से जीनी सब कुछ यही काम से करते हैं। रांची के बुड़ैया बस्ती में 50 से 55 कुम्हार परिवार हैं, जो पिछले कई दशकों से मिट्टी का दिया, घरेलू सामान, बर्तन, खिलौना बनाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन विदेशी आइटम के अतिक्रमण से पारंपरिक दीयों पर असर पड़ा। लेकिन मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल अभियान ने इनमें दोबारा जान फूंक दी है। अब सबका एक ही ध्येय है कि इस दिवाली एक दूसरे के बीच खुशियां बांटें। उम्मीद तो रखे हैं कि इस बार अच्छा सेल होगा, काहे कि चाइना वाला माल तो बहुत कम आ रहा है, नहीं के बराबर आ रहा है। काहे कि दशहरा में भी देखें कि चाइना माल उतना नहीं आया था। हाँ हाँ, सरकार लगाया है पर चाइना माल जब से आया है, आप लोग के रोजगार में कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। चाइना माल पहले की आ रहा था, अभी तो 2-3 साल से मोदी सरकार जो नहीं किए हैं, जो रोक लगाए हैं, और वो रोक लगाए हैं तो थोड़ा सा हम लोग को फायदा हुआ है। हाँ, हम खुद करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि चाइनीज चीज़ अच्छा नहीं, अपने देश का बना हुआ चीज़, अपने यहाँ का चीज़, अपने वतन से जुटिए, अपने यहाँ की चीज हमेशा प्रयोग में कीजिए। दिया खरीद के ले जा रहे हैं, कम से कम कुम्हार के घर में चूल्हा जलेगी, उम्मीद तो रहती है। जी जी, निश्चित रहते हैं कि अब हमारे भाई जो भी है वो जिए, अगल बगल सब लोग जिए, सब लोग खुशहाल रहे, हम 2 रुपये कमाए, वो भी 2 रुपये कमाए, उनका एक रोजी रोटी हो गया। ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सब लोग अपने मिट्टी का दिया, एक दूसरे मिट्टी का दिया खरीदे, दीपावली में एक दूसरे का सहयोग करें। इस दिवाली उम्मीद यही है कि मिट्टी के दीयों से हर घर जगमग हो और कुम्हारों का घर भी खुशियों से रोशन हो। कुम्हार की जिंदगी दीपावली में हर घर को रोशन करती है, लेकिन जब से चाइनीज आइटम बाजारों में आई है, इनके व्यापार में असर पड़ा है। जरूरत है कि चाइनीज आइटमों का बहिष्कार कर मिट्टी के दीये का इस्तेमाल करें। विजय कुमार गोप, ETV भारत, रांची।